अगर किसी के दांतों में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या फिर मसूड़े से खून निकल रहा है, मसूड़े में सूजन हो गया है, या फिर मसूड़े एकदम लाल हो गए हैं, फिर दांतों में सड़न हो गया है, अब ब्रश करते हैं तो भी पेन होता है, कुछ खाते हैं तो भी पेन होता है, आप किसी से बात करते हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, या फिर मुँह से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, तो इसके लिए आपको एक नुस्खा लेना है। जैसे कि आप जो लौंग होती है, आपको वहीं 2-3 लौंग का पाउडर ले लेना है। आप उस पाउडर में सरसों का तेल मिक्स करने के बाद जो कापूस होता है उसी कापूस में लगा के आप अपने दांतों पर जिस तरह से ब्रश करते हैं हम मंजन से, इस तरीके से पूरा घिसते हैं अपने दांतों पे, उसी तरीके से उस कापूस में जो लगाएं हम पेस्ट, उसी तरीके से अपनी उंगली के सहारे से लगा लगा के पूरे अच्छे से दांतों में, मसूड़ों में लगा के कम से कम 2 मिनट तक अपने मुंह में रखें। थोड़ा सा आपको जलन जैसा महसूस होगा, लेकिन इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तुरंत आपको 2 मिनट के अंदर ही आपको इससे राहत मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम लगे तो फटाक से इसमें उसके काप इस्तेमाल कर लें, आपको तुरंत आपको इससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये छोटा सा टिप्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये टिप्स आपको कैसा लगा, और ऐसे नए नए कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।